ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਮਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲਾਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਆਕਾ ਕਹਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਕਟਵਾ ਦੋ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਟਵਾ ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਮੇ ਹੈ ਰਾਮ ਨਗਰ ਮੇ ਹੈ ਭੀਮ ਚੂਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ आपका अथी है बलबीर कॉलोनी है सब तो सरकारी में बैठा हुआ है खाली भीमनगर को काट रहा है जो कानून निकलती है भीमनगर के लिए निकलती है का कुछ सुविधा मिलना चाहिए। आज मान लीजिए जे 40 साल रहते हुए हो गया अब हम लोग कहाँ जाएंगे दोनों गौर टूटा हुआ है तो उस दिन क्यों लगाया है सभी से पैसा ले लेके नहीं लगाना चाहिए ना उसी दिन बंद कर देना चाहिए जब लगा लिया तब जाके कहेगा का कि अब सरकारी जगह है। सत श्री अकाल दोस्तों मैं हाँ नवनीत सिंह चीमा तुम देख रहे हो GBC अपडेट। अज असी पहुंचे हाँ मोहल्ला भीमनगर जिथे के बिजली महकमे वालों गरीब लोगों के मीटर कट्टे जा चुके हैं तो लाइट न बंद किया जा चुका जिथे पंजाब सरकार वालों व्डे व्डे दावे के वादे किए जाते रहे कि सरकार जी बनी है गरीबों की हक के बनी है गरीबों की सपोर्ट लिए हर पास्यों उन्होंने पक्ष भी सुनेगी और उन्होंने हर पास्यों माली सहायता भी दी जाएगी तो किसी तरह का कोई धक्केशाही नहीं सह सकेगी और हर पास उन्होंने समस्यावान का भी हल किया जाएगा। पर अज यह वेखन मिल रहा है कि शरेआम धक्का हो रहा गरीब जनता का जिथे कि आम गरीब जनता जी घट्टो घट 15-20 साल तो रह रही है उत्थे उन्होंने नाम पर ही बिजली के कनैक्शन दिते गए सी और अज कनैक्शन बिजली विभाग वालों कट्टे जा चुके ने। गलबात करांगे मोहल्ला वासियां नाल की कहना उन्हां दा और क्यों मीटर कनैक्शन किए गए ने इस संबंधी जानकारी हासिल करांगे। तो गल करदे आं समूह इलाका निवासियां नाल। की नाम है जी? मेरा निर्मला देवी। उस दिन कहना केड़ा मल्ला केड़ा मल्ला जी भीमनगर जी की गल हुई है जी? एक गल हुई साडा नजायजी मीटर काट के गए सी बिल जमा कर दे हर महीने बिल जमा हुंदा साडा 2 महीने बाद जिस टाइम साडा बिल आ गया उस टाइम असि बिल जमा कर दे छोटे छोटे साडे बच्चे आ कोई साडे फैक्ट्री नहीं कोई साडे मशीनें नहीं चलदी सिर्फ असि गुजारा कर दे गरीबी तौर ते असि गुजारा कर दे नजायज साडे लाइट काट के गए नजायज ही साडी लाइट कटी अब छोटे छोटे बच्चे से कितने जाना है किन्ने चिर तो रह रहे थे तुसी सानू 30-35 साल हो गए इत्थे सर 30-35 साल हो गए मीटर किन्ने चिर तो लगे हो तुसी सानू हो गया मीटर बड़ा उदो दे साडा मीटर लगा है 2-4 साल बाद ही साडा मीटर लग गया 14-15 तुहानू इनफॉर्म कीता सी दस्सिया सी कुछ उन्होंने पहला मीटर सीगा पहले पर असी क्या बे सानू इह काम नहीं होना चाहिदा साडे नाल असि बिजली का बिल जमा करते असि बिनती करते जिदा साड़ी लाइट कटी है साड़ी लाइट सानू जो मिलनी चाहिए है। किन्ने घर दे मीटर कटे जा रहे हैं? मीटर किन्ने घर आ जाए किन्ने घर हैंगे काफी किन्ने घर हैंगे 10-15-20 घर 20-25 घर हैंगे जी 20-25 घर हैंगे साडे मीटर जेडे कटे आ बीच बीच मीटर कटे भी नहीं बीच बीच हैगे भी लोगों के मीटर अजे कई बीच हैगे भी मीटर जो रहायशी मकान बने हुए है तो अपने सरकारी जगह हैगी जा ये सरकारी है जी जमीन सरकारी है सरकार वालों तुहानू अलॉट की गई सी नहीं सरकारी ना अलॉट नहीं की असि उदा ही बैठे अपना गुजारा करने लिए साड़ी थे कोई कटवा दिया एक कौन काम कर रहे पानी बंद करवा दिया ये माहौल में रहेगा हम लोग पानी में हमको पानी नहीं पीना है हमारा घर वाला का दोनों लाट टूट गया है आका कहता है जो मैं बिजली कटवा दो हाँ बिजली कटवा दो कौन 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 कहता है बिजली कटवा दो अबे कौन कहता है एमसी का हाथ होगा एमसी का हाथ है तो सब किसी का हाथ नहीं है उसी का बड़ा बात गया है तब हम लोग को लाट कटा है 40 साल से हम लोग है हाँ चल रहा है संचित नहीं है हम दसुआ मकेरिया से भोगपुर टंडा उन्ना हिमाचल गगरेट आम से मांग मांग के रुपया ले आए हैं हमारा दोनों गोर टूटा है ये टूटा है वो टूटा है हम मांग मांग के पैसा ले आके बनवाए हैं साहब आए ना ए, ए, इसका यही काम है उधर का झगड़ा इधर उधर का झगड़ा उधर कभी उसको लड़ा देना कभी उसको लड़ा देना किसका काम है ये सब एमसी का काम है कौन है एमसी आपका एमसी है मंजीत कौर तो उससे बात की है आपने मंजीत कौर से हैं ओ आता ही नहीं है इधर वो तो मोहल्ला में रोज लड़ाई कराता है आएगा कौन आ खाली स्कूलिया लड़का को पैसा देता है जीता दिया मेरे बेटा का दुबज रख के कहेगा रवि रंजन कहाँ है हमको हमने उधर कमरा लिया है
आ तो नहीं रवि रंजन के कहते कहते कहता है मेरे रवि रंजन 50,000 रुपया लिया है, आए आके हमारा बेटा पर हमला करता है, जे तेरे बेटा के कटवा दूंगी उठा दूंगी, ये कौन होना है, और उसी से जाके बल कटवा दिया है। हाँ बताया जा रहा है ये जो जगह है ये सरकारी प्रॉपर्टी है। हाँ जी। तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ। तो आपको इन्फॉर्म किया गया था कि ये जो मीटर है वो हम काटेंगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चुपे चाहे सब सारे न करवाता। सुंदर नगर में है, रामनगर में है, भीम चूह के पीछे है, आपका अथी है, बलबीर कॉलोनी है, सब तो सरकारी में बैठा हुआ है, खाली भीमनगर को काट रहा है। जो कानून निकलती है भीमनगर के लिए निकलती है। तू तू हमारा बेटा के पहले रवि रंजन कहाँ है? रवि रंजन कहा हम कम जे नहीं है, आ रवि रंजन का मेहरारू के जाके जगा के कमारी खोलवा के जीता है, आ जीत गया तो हमारा लाज कटवा दिया, ये कोनो तोरा कहता है का रवि रंजन हमारा 50,000 रुपया लिया है। की मांग कर रहे तुसी? हां की मांग कर? मांग करते हैं हम लोग साहब जे, हम लोग का कुछ सुविधा मिलना चाहिए। आज मान लीजिए जे 40 साल रहते हुए हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? दोनों गौर टूटा हुआ है। मांग मांग के पैसा ले आके बिजली लगवाया, मांग मांग मोहल्ला वाला चंदा काट के मेरा इलाज कराया है। अभी राजदेव सिंह है, चंदा काट के इलाज कराया है। आठ हजार रुपया हम 8,500 ब्याज पर जाके लेके तो हम जाके बिल भरे, अभी 2 दिन पहले भरे हैं। मीटर लगा है उस दिन तो भी पता है जय के का कि ये सरकारी जगह है, तो उस दिन क्यों लगाया है? सभी से पैसा ले लेके नहीं लगाना चाहिए ना, उसी दिन बंद कर देना चाहिए, जब लगा लिया तब जाके कहेगा का कि अब सरकारी जगह है। जो मीटर लगे है तो अपने नाम से लगे है, जाके अपने नाम से लगे हैं। कितना देर हो गया मीटर लग गया? जितना दिन ईटा बनने हो गया 30 साल, उतने साल 17 साल से जितना दिन ईटा के बनाया है उसी दिन से मीटर लगवाया है, उसी दिन से लगवाया है, बाद में किसी को मीटर नहीं लगा है, उसी टाइम से लगा। तो ये बताइए कि जय जब आया है लगाने तो चेक करके लगाया है, बोलता है कि बोलो का कि सरकारी है, हाँ चू है, चू है, तो उसका आंख बंद था, क्यों तब लगा के गया है, अब उजारता है, ये गलत है कि नहीं है? तो आप एमसी मिले हैं संबंध में मीटर कटन है बिजली महकमे वाले? और सब लोग के इतना बार हम लोग जब हमारा नोटिस आता है तो हम जाते हैं पूछते, तो बोलते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पीछे से आया है, वो यही जवाब देता है कि हम हमारे पास आता है तो मैं पूछता है उसको, बाकी बोलता है कि मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है। तो एमसी किस लिए बना है? एमसी का काम है किसी का घर बसाना, उजारना नहीं है, वो तो बार बार जब से जीता है तब से सबको परेशान करके रख दिया है। ये कैसा एमसी है? वोट मांगने के समय में हाथ जोड़ के भी मांगते हैं भीख, और जब जीत जाते के बाद आदमी को भूल जाते हैं कि कौन आदमी से वोट मांगे हैं। हाँ। ये 2-3 साल से परेशान करके रखा है, 5 साल पहले भी एमसी था, वो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, सबका बनाया ही है, ये जब से जीता तब से सबको बिगाड़ के रखा है। कितने घरों के मीटर कटे जा चुके हैं? हो गया है 15-20 घर का काट दिया है, बाकी 2-4-10 घर छोड़ दिया है, ये क्या बात हुआ है? सरकारी कानून सभी के लिए बराबर है। कौन से छोड़े गए हैं घर? मैंने जो कोई घर छोड़ दिया है और कोई घर नहीं काटा है, बोलता है कि नोटिस नहीं है, ये क्या होता है? हम लोग क्या बिगाड़ दिया है? हम लोग को नोटिस दे देता है बार बार। खाली ये एमसी ना 4 घर करके लाट कटवा दिया है, कहता हम जुगी हटवा देंगे, तो 4 घर का जुगी कटेगा, हट जाएगा, हटो पूरा हट जाओ, हम लोग हटा देंगे, कोई बात नहीं। उनकी मांग कर दे, उन मांग कर दे, हम लोग का लाइट जोड़वाए एमसी आके, पानी के हमने क्या सहारा लेके चाहिए, हमें पानी या लाइट दे दे संबंध च तनु एमसी को जाना चाहिए, एमसी को मिलना चाहिए, तुसी की हुन सलाह सोचा क्या करें? एमसी कोई साधन करने वाला नहीं, मच्छर मच्छी करती है तो कैसे रहेगा, मच्छर मच्छी कीड़ा मकोड़े घर में ढुकेगा कि नहीं ढुकेगा? जाके नहीं जाते हैं तो गली में एमसी आते हैं, ये काम हुआ है तो एमसी के आके देखना चाहिए ना कि क्या हुआ है हमारा मोहल्ला में, ये तो देखना चाहिए एमसी के कि काहे ऐसा होता है, उसी को ना महला है, हम लोग तो उसी के जिताए हैं, वही ना माल है। तो पहला नोटिस आया सीधा? हाँ नोटिस आया, नोटिस आया तो उसके संबंध में एमसी ने गल की थी, कागज ऐसा अपना से लिख लिख के सारे कंप्यूटर पर साट गया है, नोटिस नहीं आया था, एमसी ने बना के सारे अपना से चाल चलवाता है, नोटिस कोई नहीं आया था, नोटिस नहीं था, सारा कागज बनवा के एमसी का काम है जो मैं हटवा दूंगी जुगी क्या।